गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आइए आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जो बिल्कुल नई है। जी हाँ, जौ के आटे से बनी है। जो ये लिया मैंने 1 kg जौ का आटा, थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल दिया था दोस्तों देसी, और उसके साथ हम इसे भूनेंगे। जी हाँ, इस आटे को हम जैसे हम सूजी हलवे के लिए भूनते हैं, इसी तरह हम इसको भून लेंगे। जी हाँ, जौ के आटे की रेसिपी ये इतनी टेस्टी बनेंगी कि आप एक बार बनाएंगे तो घर वाले बार बार चाहेंगे। यहाँ ले लिया है मैंने एक नारियल सूखा, और इसे मैं करूँगी कद्दूकस कर लूँगी। और ये देखिए, इधर मैं भून रही हूँ ये जौ का आटा। देखिए, इसे हमें देखना पड़ेगा, ज़्यादा बहुत लाल नहीं होना चाहिए, और खुशबू जब इसमें से आ जाए तो ये भून चुका है। मैंने इसे एक परात में डाल दिया है ठंडा होने के लिए। और अब मैं उस क्या करूँगी, ये मैंने नारियल घिस लिया है। देखिए, नारियल को घिस के एक साइड में रखेंगे दोस्तों। और 2 थाली ली हैं, इन थालियों में मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। जी हाँ, अगर आप चाहें तो डालडा भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ देसी घी का प्रयोग किया है। जी हाँ, इसे हम ब्रश से ग्रीसिंग कर देंगे दोनों ही थालियों पे। अच्छी तरह हम घी को ब्रश के साथ लगा देंगे। ये देखिए, फैला दिया हमने। इस तरह से फैलाएंगे ताकि जो हम रेसिपी इसमें बनाएंगे वो बिल्कुल भी निकले नहीं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे क्या बना रहे हैं हम। जी हाँ, हम बना रहे हैं जौ के आटे की बर्फ़ी। जी हाँ, सोचा था कभी? तो देखिए, शायद देखा भी नहीं होगा। अभी यार डाल दिया 1 गिलास पानी, और 1 kg था तो उसमें हम ले रहे हैं 1/2 kg चीनी। जी हाँ, 1/2 किलो चीनी लेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा है, यदि आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ की भी सेम मात्रा रखनी होगी, लेकिन गुड़ आपको बराबर मात्रा में डालना होगा। ये मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसके बाद डाल दी है ताकि हमारी रेसिपी अच्छी और मीठी बने। जी हाँ, जब आप ये खाएंगे तो आपको इसमें पता ही नहीं चलेगा कि आप ये गेहूं के आटे की खा रहे हैं या जौ के आटे की। जी हाँ दोस्तों, गारंटी है, जब आपकी चाशनी थोड़ी चिपचिपी होने लगे, इसमें कोई तार नहीं बनाना है, तभी हम जौ का आटा इसमें डाल देंगे। जी हाँ, आपने दोस्तों जौ का सत्तू बहुत पिया होगा, खाया होगा, लेकिन ये जौ की नई रेसिपी आपको कैसी लगेगी, आप एक बार ट्राई करना और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए, इसे जल्दी जल्दी से मिला देंगे, और जिन थालियों में हमने घी लगाया है उन्हें सही कर लिया है। अब हम इस पर एक प्लेट पर पीछे से फिर से घी लगा रहे हैं, आपको पता ही है, दबाने के लिए। जी हाँ, इससे हम इसे प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, दोनों ही थालियों में बराबर मात्रा में डालेंगे, और अगर आपके पास छोटी थाली है तो 3 भी ले सकते हैं। जी हाँ, 1 kg का 2 थाली में आ जाता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और नरम बना है, और अभी आप देखना ये कैसे सेट हो जाएगा एकदम। तो दोस्तों, हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है आपको ज़रूर बताना होता है। यहाँ मैंने थोड़ी सी खरबूजे की गिरी गिर दी है, और थोड़ा सा जो नारियल मैंने कसा था उसे डाल दिया है। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते थे, लेकिन चांदी का वर्क मैंने नहीं लगाया। ये देखिए, मैं सिर्फ आपको घर में पड़ी हुई सामग्री से ही इसे बनाना बता रही हूँ। ये रेसिपी आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ जौ के आटे से बनाकर आपको दिखाया, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती है, और गर्मी में जौ कितना फ़ायदा करते हैं ये आप जानते ही होंगे। जी हाँ, ये देखिए, दोनों ही थाली में अच्छी तरह से मैंने इसे फैला दिया है, और इस पर घी हमने एक ही बार लगाया था, दोनों प्लेटों में हमारा सेट हो गया है। आइए, इस पर भी डाल देते हैं थोड़ा सा नारियल, और थोड़ा सा डालेंगे गिरी। हाँ जी, ड्राई फ्रूट आप जो भी चाहें वो फ्राई करके इसमें बीच में मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने इसमें गिरी मिक्स की थी, जो खाने में जो उसका कुरकुरापन आएगा वो बहुत ही गजब होगा। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। जैसे ही आप इसे बनाएंगे, आपका घर खुशबू से महक उठेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब इसमें लगा लेते हैं कट। ये हो गई है ठंडी। तो देखिए, इस तरह से कटिंग भी आप जैसी मन चाहे वैसी कर सकते हैं। अभी दिखने में आपको ये सॉफ्ट लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे ही ये थोड़ी सी अकड़ जाएगी। जी हाँ, और जब आप इसे खाएंगे तो कड़क से आवाज़ आएगी। जी हाँ, अगर आप सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो इसी पोजिशन में इसे पलट दीजिए। ये देखिए, इस तरह से पलट कर ड्राई फ्रूट आपकी जो इच्छा है वो डालिए, जो नहीं है स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे चांदी का वर्क लगा कर ही सजाइए। तो देखिए, कर दिए हम प्लेटिंग करते हैं इसकी। ये देखिए, 2 बॉक्स भर जाएंगे मेरे
आज और बच्चों का 8 से 10 दिन तक का काम चलेगा। जी हाँ, मेरे बच्चों को मीठा पसंद है, वो दोनों खाते हैं, इसलिए तो मैं मीठा ज़्यादा बना लेती हूँ। तो कैसी लग रही है हमारी रेसिपी दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस तो आपको दिखाते हैं, देखिए तोड़ दी, ये अच्छी बनेगी, इसे मुंह में जाके घुल जाएगी। अगर आप इसमें चाशनी ज़्यादा तार की कर देंगे या तार बना देंगे तो ये सॉफ्ट नहीं बनेगी और बहुत कर्डी हो जाएगी, हाँ टाइट हो जाएगी, कड़क हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।